राजनीति करें ये लोग जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, नौजवान के हित में करें, जाति पाति से ऊपर उठ के करें, बिहार की समृद्धि की राजनीति करें। बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार के नौजवानों को क्या फायदा होगा, उनके जिंदगी के प्रगति में इसका योगदान क्या होना है, जो जिससे बाहर धीरे धीरे बिहार निकलता जा रहा है उसमें वापस ठेलने की योजना है, इसे बिहार को क्या लाभ हो। बहुत आजकल वो एक चिंतन में रहते हैं और काफ़ी गंभीर विषयों की चर्चा भी करते हैं। वो बताएं कि बिहार को, बिहार के नौजवानों को क्या क्या इस जो मांग वो करें जिसे पदयात्रा हो जाता की भी बात करें, तो इसे बिहार को क्या फ़ायदा होगा। एकदम स्पष्ट रूप से एक प्रश्न है, बिहार को क्या फ़ायदा होगा, बिहार के नौजवानों को क्या फ़ायदा होगा, उनके ज़िंदगी के प्रगति में इसका योगदान क्या होना है, चाहे वो किसी भी समाज का तबका का, क्या इससे सामाजिक दुर्भावना, द्वेष, फिर वही तरह का जात पात में बटा हुआ समाज जो जिससे बाहर धीरे धीरे बिहार निकलता जा रहा है उसमें वापस ठेलने की योजना है। ई सेंसस की बात हो चुकी है और ई सेंसस भारत में पहली बार होने जा रहा है, जो कि 2011 में भारत का सेंसस हुआ और जो कि एकदम 100% सही होगा। हम लोग आदि क्या हैं, एक मास्टर साहब नियुक्त हो गए, फलाना गांव में गए, किसी के दरबार पे बैठे और वहीं पे बना दिए, अब जो बना बना, जो छूटा सो छूटा, यही ना आदि हैं हम लोग। अब ई सेंसस की बात गृह मंत्री ने घोषित किया आसाम में आज से 3 दिन पहले, तो आप समझिए अभूतपूर्व काम होगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, कोई छूटेगा नहीं, जो मरेगा उसका भी उस लिस्ट से नाम हट जाएगा, जो जन्मेगा उसका भी उस लिस्ट में जुड़ जाएगा, तो सभी विवरण आ जाएगा। आज वन नेशन वन राशन की बात हो रही है, तो ये सब प्रगतिशील काम हो रहा है ना। हंसने वाले तो हंसते भी थे कि टीकाकरण कैसे होगा, अब लाजे घूम रहे हैं सब लोग। मदद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी, कोविन ऐप, अद्भुत योगदान रहा ना ऐप का। तो बिहार के हित में राजनीति करें ये लोग जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, नौजवान के हित में करें, जाति पाति से ऊपर उठ के करें, बिहार की समृद्धि की राजनीति करें, ताकि यहाँ का जो ओरिजिनल मूल वासिंदा है वो बाहर जाने के लिए नहीं सोचे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण, समृद्धि के माध्यम से, काम के माध्यम से इसकी योजना जो है, इससे संबंधित आदान प्रदान सभी नेताओं में हो, सभी दलों में हो, और तब ऐसे विषयों को लेकर अगर सर्वदलीय बैठक होती है तो शायद बिहार का युवा भी सोचेगा कि मेरा राज्य कुछ प्रगतिशील सोच के साथ, नेतृत्व जो है, आगे बढ़ सकता है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।